इमरान ने भी तुमने एक ड्रामा किया सबा कमर के साथ, वो ग्रीन टीवी, तो उसमें जो राइटर कह रहा है ना तुम्हारे हुस्न के नाम, तो तुम्हारे हुस्न की बात हो रही है या सबा हुस्न? वो कौन है तुम्हारे हुस्न के नाम? सबा तुम्हें कह रही है तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम कह रहे हो सबा को मेरे हुस्न के नाम? इट्स अप टू द व्यूअर्स टू डिसाइड। किसके हुस्न की बात हो रही है दोनों? लेकिन यार वो कितना अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा, एंड आई इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स इन द रीसेंट टाइम्स। बल्कि मेरी सारी अगर उसमें उठा के देखें तो वो इतना खूबसूरत, ऐसे ड्रामे बनते रहने चाहिए और उसको बहुत बड़ा हिट होना चाहिए था, इसलिए कि ताकि एनकरेजमेंट मिलती इस तरह के ड्रामों को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अफसोस होता है कि और बड़े बात सतही से स्क्रिप्ट हिट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ड्रामों को ज़रूर चलना चाहिए जिसके अंदर कुछ सब्सटेंशियल बात हो, या एटलीस्ट अच्छी उर्दू तो सुनने को मिल रही है, या अच्छा आपको आर्ट। बड़े सिंपल, हमारे उसमें कपड़े गेटअप वाज वेरी सिंपल। मतलब दो ऐसे कैरेक्टर्स करना जो दोनों मेरी एज नहीं थी, वो वाला भी और यंग वाला भी, दोनों में आपकी आपकी आपका डायलैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी अदायगी, आपकी सब कुछ आपका डिफरेंट था। एंड टू अलग टू डिफरेंट टाइम्स, एक तो हमारा बचपन वाला टाइम, वो वाला जिसमें फ़ोन भी नहीं थे, NCA कॉलेज, वो सारी की सारी चीज़ें, आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत रिलेटेबल थी। सो इट वाज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट प्रोजेक्ट्स। NCA में जब तुम थे इमरान, तो उस वक्त और भी बहुत सारे हमारे जो आजकल बड़े स्टार, अली जफर, सब हम सब एक हम साथ अली था, आयशा भी थी शायद, आयशा उमर भी थी, आयशा गाने वाने गाते थे या कोई? मैं ईस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी का इंचार्ज था। किसका सोसाइटी? एक ईस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी होती थी हमारी NCA में, जिसमें हम क्लासिकल और सेमी क्लासिकल और इस तरह के गाते थे, तो उसमें मैं उसका हेड था। इमरान तो गाता भी है, तो तुम्हें उस वक्त लगता था कि इनमें से कोई स्टार निकल आया या किसी को नहीं पता? उसे मुझे घास नहीं डालता था एक्टिंग एक्टिंग के चक्कर में, मैं उसमें कभी एक्टिंग नहीं की, तो मुझे बस हाँ मैं मुझे अक्सर बिठा लेते थे लड़कियां लड़के एज मॉडल, नहीं होते बीच में जब बैठे होते हैं आपको देख के सब बना रहे होते हैं स्कल्पचर, तो मेरे फीचर्स कुछ इस तरह के थे कि मुझे बीच में बिठा के सब। वो तो अजीब अजीब स्कल्पचर भी होते हैं। हाँ लेकिन NCA में तो सबकी बुलिये में भी पिक्चर्स बनती है ना, तुम तो सही है ना। शुक्र अली जफर ने तुम्हारा स्केच किया कभी? अली ने मेरा स्केच किया। अच्छा, रखा हुआ आज तक? वाह वाह वाह, क्या सवाल है महान। क्या जफर। लेकिन वो बाद में आने के बाद, सलाम है आने के बाद, फील्ड में आने के बाद। हाँ फील्ड में आने, नहीं NCA की बात। देखो वो दे दो मुझे स्केच, ब्यूटी तो महंगा बेचेगा है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। और वो अली जफर ने बनाया इनका स्केच, देखे तो ले लो वापस। नहीं नहीं मेरे पास ही है वो। हाँ मेरे पास। तो मैं तो सबके दोस्ती थी आपस में सब एक। हाँ हाँ हाँ, ये ऑल होता है। मुझे लगता है तुम्हारे पीछे ना कोई लड़की लगी है जिसका तुमने कुछ कभी ना किया होगा, और उसने कहा होगा कि बस अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो परवीन शाकिर का शेर है, किस शख्स का दिल मैंने दुखाया था कि अब तक वो मेरी दुआओं का असर काट रहा है। याद करो वो कौन थी, से लड़कपन से शुरू करो, कौन सी लड़की थी जो तुम्हारे पीछे आशिक थी और तुमने कहा सॉरी बहन ये नहीं हो सकता? कॉलेज 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 पढ़ गई थी ना, वो थी ना? थी उसके स्केच बना रही थी बैठ के, सोचे किस लेवल की मोहब्बत होगी। लेवल की मोहब्बत थी, फन की मैंने बड़ी खिदमत की है। जी जी, मुख्तलिफ सतहों पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे। इसके अलावा कोई और ऐसा हसीन वाकया? बहुत सारे हुए यार, अनलिमिटेड नहीं। दो तीन अभी रिसेंट मजा, मॉल में, गाड़ी में, ट्रैफिक सिग्नल में, जहाज में, एयरपोर्ट पे, बहुत होते होंगे इसके। बहुत होते हैं, इसलिए तो मुझे पता है, निकल जाएगा शो, 8-10 बताएगा, आदत हो गई है इसको। हां तुम लोग समझ नहीं रहे, मुझे वायरल चाहिए कंटेंट। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइव ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।